لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين उमन तब्यादी अहसान अल्दीन अमा बैद आज की इस नश्त में इनशा तला सुबहान ताल के असम असना और उसकी सफ़ात अलिया से मतलब अलमीदु इस पर गुफ्तु होगी पिछली नशस्त में अल्लाह के इस अजीम नाम अहमीदू से मुतल एक तो ये बात बताई गई कि अल्लाह रब्लम की सफ़ात ज़ातिया में से है और अरबी ज़ुबान में हमीदा इसका माना क्या है इसकी मतालिब क्या हैं और इस लफ्ज़ में कितनी वसात है इस लफ्ज़ के क्या क्या तकाजे हैं ये भी हमने आपको बताए थे और पुराने मजीद में अ सुबह वाल का ये नाम अलमीदू जो सत्रह मकामात पर आया है आ, हमने इस जानब तो दिलाई थी कि अल्लाह सुबहान तौ का नाम अलमीद वालबूलमी की दीगर नामों के साथ जो आया है ना जैसे हकीम अल्लाह रब्लम का नाम है उसके साथ आया है अल्लाह सुबहान ताली का एक नाम अज़ीज़ उसके साथ ये नाम आया है अलवली उसके साथ अल्लाह रब्लम का ये नाम मशकूर है अलमजीद अल्लाह सुबहान ताली के इस नाम के साथ भी अलहमीद मस्कूर है अलगनी वगैरह तो उन आयत को पढ़ कर के हमने ये बताए थे कि अल्लाह सुबहान ये नाम जब उस नाम के साथ मिल कर के आता है तो फिर उसके अंदर कितनी यानी और वो साथ पैदा हो जाती है इस लफ्ज को समझने के लिए दलाइल वगैरह हम अपने आपके सामने रखे थे आज की वालेकाम वालक आज की इस नशत में इन शह ते बात बताऊँगा कि अल्लाह सुबहान ताली का ये जो नाम है अहमीद इस नाम का हमारी ज़िंदगी पर असर कैसा होना चाहिए इस नाम के साथ तयब का मामला कैसा होना चाहिए यानी बंदगी कैसी होनी चाहिए अल्लाह की देखिए बुनियादी तौर तो पर इस बात का लिहाज रखा जाए और मालूम हो एक मुसलमान को बसूस एक तलब इम को ताकि वह औरों को बता सके कि अलहमद जो है ना अलहमद अलहमद का मतलब क्या है वो तो हमने बता दिए यानी अल्लाह सुबहान व तौर की जो तारीफ़ है अल्लाह सुबहान वाली की जो हमद वना है अहमद अहल इमसूस का इस्तरा करके यानी इस मौजू से मुतक़ कहते हैं कि अल्लाह रब्लम की जो हमद है ना वो उसकी दो नौतें हैं कितनी दो नौतें क्या मतलब दो नौतें एक नोयीत ये है कि अल्लाह व सुबहानी का जब किसी बंदे पर उसकी अता होती है ना उस पर अल्लाह सुबहान ताली की तहमीद जैसे अल्लाह रब्बुल रब्लम की एक अताा है हम लोगों पर कि किला रबालमी ने हमी उसका पसंदीदा दीन इस्लाम अता किया है उस पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुबहान तहत दी है अलहमदल्ला सुबह वाली ने शर्य अदा किए हैं अलहद अल्लाह सुबहान तआला इबादतों की तौफीक दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ला व तआला बुराइयों से हमें बचाए रख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्लमी ने सच बोलने की जो है मतलब हिम्मत दी है वाखलाक दी है हैं अल्हदल्ला सुबहान तआला ने हुकूक अदा करने की तौफीक फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह फ़रमाएँ व तआला जो है यानी बंदे को माल अता किए हैं हलाल रिस्क अता की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब मिसालें जो दे रहा हूँ वो किस एतबार से यानी अल्लाह ताला की हमद की एक नौीय ये है कि अल्लाह सुबहान व ताली की जब अता बंदे पर होती है तो बंदा अल्हम्दुलिल्लाह कहता है अल्लाह की तारीफ़ करता है अल्लाह के हमदोसना बयान करता है किस बुनियाद पर अल्लाह रबूल आलमी ने उसे अता फरमाए हैं एक तो ये चीज़ हो गई दूसरी जो नौत है वो ये है कि हम वक्त अल्लाह सुबहान वाली की हमद हम वक्त जो चीज़ अल्लाह सुबहान ताल कर रहे हैं हमको या किसी और को मिसाल के तौर पर आप देखो नबी करीम सल्म सईदुरसली हैं आप ही को अल्ला सुबहान तै ने सैदालमरसिन बनाए हैं फी नफसी है उसका मुझे क्या फ़ायदा अल्लाह के रूप पर ईमान लाने का हमें फ़ायदा है अल्लाह सुबहान ताली ने सलेमानलीसरतम को इतनी अजीम हुकूमत अता फ़रमाई है फी नफसी उसकूमत का हमको क्या फ़ायदा माता हो गए नबी करीमलम को अल्लाह सुबहान ताली ने जो हशर के मैदान में जो स... बड़ा मकाम अता फरमाए हैं वो सईद मुरसलीन होने के अतबार से भी अता फरमाए हैं तो अल्लाह सुबहान ती कोई को नियमत अता फरमाते हैं जैसे मिसाल अच्छा मंजर देख लिया हमने हरियाली देख ली हमने क्या देख ली हरियाली देख ली तो उस जाती तो पर उस हरियाली का मुझे क्या फ़ायदा है लेकिन उस चीज़ को देख करके भी अल्लाह सुबहाना तौ के हमदो सना सलेमानसलम की मैंने मिसाल दी यूसफ़ अलीसम को अल्लाह रब्लम ला ला ने खब की तबीर का इल्मा किया आपको जमाल लता फ़रमाया बराए रास्त उसका हमें क्या फ़ायदा जब तक हम ईमान नहीं लाते उस पर जैसे हमने सैदसलीन की मिसाल दिया अल्लाह के रसूल ख़ातमनबीन है एक ख़ास वजीलत अल्लाह के रसूल की एक शख्स उस पर ईमान नहीं लाता है अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं लाता है और ख़त्म नबूत पर ईमान नहीं, नहीं लाता है उस चीज़ पर तो क्या फ़ायदा उस नेमत का उसको लेकिन एक मुसलमान अल्लाह के रसूल पर ईमान लाता है और अल्लाह के रसूल को ख़ातम नबीन अल्लाह बनाए हैं उस पर भी वो कहता है कि अलहमद लाला गुए कि हमा वक्त उसका फ़ायदा जतीी तौर पर मुझे हो रहा हो या महज अल्लाह की कोई नमत है अल्लाह का कोई फजल है यानी अल्लाह सुबहान वताल की जो ज़ात है ना अल्लाह के जो नाम है ना अल्लाह की जो सिफात है ना अल्लाह की जो जसमय हौसना है ना उस बुनियाद पर अल्लाह के हमदोसना यानी मेरे पैदा होने से पहले भी इस पूरी कायनात को अल्लाह सुबहान रोज़ी रोटी दे रहे मेरे पैदा होने से पहले भी अल्लाह सब्बानो हर एक की दुआ सुन रहे हैं हमारे पैदा होने से पहले भी अल्लाह सुबहान तैाल ने रात और दिन का निज़ाम ऐसे रखे हैं तो अल्लाह रब्लम के आसमाय हौसना उसके सिफ़ाउलिया उसके अफ़ाल उसके जो अफ़ाल हमीदा हैं उस बुनियाद पर अल्लाह की तारीफ़ अलहमदिल्ला ये नहीं कि अल्लाह ने मुझे खाना अता किए हैं तभी अलहमद ला अल्लाह सुबहान मुझे ये चीज़ अता फ़रमाए हैं तभी अलहमदल एक वो नौयत है कि एक अल्लाह ताल की जब अता होती है अल्लाह की तरफ से मुझे बज़ा ख़ुद एक इनाम मिलता है तो हम अलहमदिल्ला कहते हैं एक ये है कि अल्लाह ताली की जो, जो जात है जो ज़ा है जो सिफ़ात हैं अल्लाह सुबहान ताली के जो आसमाय हसना है फ़ी नफसी अल्लाह की तारीफ ये दो नौीयें अल्लाह रबुलामी की उसकी जो आसमाय हसना हैं उसके जो सिफ़ात अलियाँ हैं उसके जो अफ़ाल हैं अल्लाह रब्लामीन कितने कितनी मखलूक़त पैदा फरमाए हैं कितने मलायक हैं अल्लाह रबल कितनी ताकत है अल्लाह सुबहान तै की कितने एफू हैं अल्लाह रबालम माफ़ करने वाले हैं अल्लाह तैाली की ज़ात कितनी अज़ीम है यानी इस बुनियाद पर भी अल्हमदिल्ला एक अल्लाह ताला जुम्मे जो नवाज़ रही हैं उस पर ये एक हमद की नौीयत है एक सी नफसी अल्लाह रब्लम की जो ज़ात है उसकी सिफात है उसकी जो आसमाय हसना है उस बुनियाद पर अलहदल्ला हम अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ बात वाजे हो गई अल्लाह सुबहान तै की हमद में इस बात का भी मुकम्मल ख्याल रखना चाहिए कि हर पहलू अल्लाह रब्लम के हमद मिसाल के तौर पर एक इंसान है हमारे माँ बाप ले लीजिए हमारे माँ बाप हमारे हक़ में अच्छा ही सोचते हैं लेकिन हमारे हक में अच्छा सोचते सोचते कभी चूक हो जाती है यानी कि आमदन वो हमारे साथ गलत रवैया अख्तियार करते हो लेकिन वो हमारे साथ अच्छा मामला अख्तियार करना चाहते थे लेकिन उन कुछ गलती हो जाती है हमारे इस हैं हमारे दोस्त अहबाब हैं दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत हैं जो किसी के साथ अच्छा ही मामला इख्तियार करते हैं लेकिन कभी कभार अच्छा मामला इख्तियार करते करते उनसे चूक हो जाती है कभी किसी को कुछ देना चाहते हैं लेकिन वो गलत हो जाता है वो होता ही नहीं होता है इसका मतलब चूक हुई ना उनसे इरादा तो गलत नहीं था नीयत तो बुरी नहीं थी लेकिन हुई चूक ना हो गई लेकिन अल्लाह सुबहान तआला का मामला ऐसा नहीं अल्लाह सुबहान तआला से ऐसा नहीं कि अल्लाह से चूक हो गई एक इंसान कोई चीज बनाता है वही इसमें कुछ गलती हो जाती है अल्लाह रब्बुल आलमीन जो आसमान को बनाए जो ज़मीन को बनाए जो इंसान को बनाए ऐसा है क्या कि, कि इंसान को पांच उंगलियां होती हैं छुक हो गई क्या छिटवी जो उंगली आ गई नहीं मुकद्दर है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरादे पर कायम है वो चीज़ अल्लाह सुभान व तआला बिना ही देते हैं किसी को नहीं देते तो छुक हो गई वो नौजुबिल्ल अल्लाह ताली की हकमत बालिगा है कि अल्लाह ने उसे नाबीना ना बनाए किसी के आजा में कमजोरी हो जाती है यह अल्लाह ताली की हकमत बालिगाह है अल्लाह सुबहान वाली किसी को कैसे क्या कुछ बनाएंगे सब 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 पूरा हिसाब किताब है तो अल्लाह सुबहान वाली के अफल में ख़ता की गुंजाइश है ही नहीं तो फिर एक बंदे को राहत मिलती है एक बंदे को किसी वजह से कोई तकलीफ़ होती है हर पहलू में अल्लाह रब्लम की हमद इसलिए कि वहाँ से गलती नहीं इसीलिए मैंने वो मिसाल दी कि हमारे एक आम इंसान की मिसाल नहीं दे एक आम इंसान भी अच्छा होता है जो हमारे साथ अच्छा मामला अख्तियार करना चाहता है लेकिन उससे एक चूक हो जाती है हमारी हमारी बीवी कभी हमें धोखा नहीं देगी हमारी बीवी को हम कभी धोखा नहीं देंगे हमारे बच्चे हमें कभी धोखा नहीं देंगे हमारे बच्चों को हम कभी धोखा नहीं देते इंसान का एक आम नज़रिया है और यह हक पर मबनी है कुछ कुछ घराने अलग हो सकते हैं कुछ अफराद अलग हो सकते हैं वरना दुनिया भर में तो यही निज़ाम निज़ामा है कि अपने अपने को धोखा नहीं देते हैं यही आम आम मामला है तो इस तरह से अपने अपने के साथ अच्छा मामला करते करते एक नेक इरादा होता है लेकिन चूक हो जाती है एक वो शख्स वो है जो बुरे इरादे से ही आता है तो बुरा ही करना चाहेगा वो लेकिन रब्बुल आलमीन का मामला ऐसा नहीं है अल्लाह सुबहान तै के सब मामला ठीक ठाक सब आमदा सब कमाल उसमें चूक की गुंजाइश ही नहीं खता की गुंजाइश ही नहीं ऐसे में अल्लाह सुबहान जब उसके सारे अफ़ाल अफाल हमीदाएँ हैं उसमें उसमें खता की चू नहीं है तो एक इंसान को खुशी लाक होती है, है तब भी किसी के घर में किसी औलाद होती है जनाजा भी उड़ता है हर पहलू में अल्हम्दुलिल्लाह ये कहना चाह रहा हूं आज हमें अचानक कुछ माल मिल गया धोखे से हमारा माल कहीं कुछ हो गया चोरी हो गया माल दोनों पहलुओं में अल्हम्दुलिल्लाह क्यों रब्बुल आलमीन ने तकदीर में बात लिख रखे हैं और अल्लाह सुबहान तला का हर मामला ठीक ठाक सब में हमतपुर है सब सबत से पुर हैं इसीलिए अल्लाह सुबहान तला के हक में शर की नस्बत अहल इलम ने कहा कि नहीं देनी चाहिए ये सूए अदब है अच्छाई की नस्बत अल्लाह की तरफ हर चीज अल्लाह ही की तरफ से लेकिन बुराई की नस्बत अल्लाह की तरफ नहीं होगी ये अल्लाह ताला के हमद का हिस्सा है अब मैं आपके सामने कुछ दलाइल पेश करता हूं अल्लाह सुबहान तला के हमद से मुतल ध्यान दीजिए कि नहीं अल्लाह तला की हमद कितनी अजीम बात है एक तो वो हदीस है जिसे हमने अल्लाह रब्लम के में से आसमायमजीदू वहाँ पर भी हमने जिक्र की थी सही मुस्लिम की हदीसी की अबू हरेरा रजूल हुसकरवी हैं वो कहते हैं कि रसूल सल्हम ने फ़रमाया मन सलातान लमयरा फ़ीहल क़ुरान फ़ैदाच नमाज में जो शख्सफात यहाँ नहीं पढ़ता इमाम हो मुख्तिय हो मुनफरिद हो जो है मुकीम हो मुसाफिर हो फर्ज नमाज़ हो नफिल नमाज हो नमाज में बहरहाल सोतलफातहा पढ़नी चाहिए वो हदीस जो है ना वो हदीस खुदसी है अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की नस्बत ये बात बयान फ़रमाई कि अल्लाह ताला ने कहा कि कसम तो सला तबीन व बी नबदी नस्फाइन वल अबदी मसल नमाज को यानी सौतलफातहा को मैं मेरे बंदे के दरमियान आधी आधी तकसीम कर दी है मैंने अल्लाह के अल्लाह तला कहते हैं कि अब्द जब अल्लाह जब बंदा ये कहता है कि अलहमद लाख अखिरबीआलमी नमाज में कहते ना बंदा अलहमद लाला खिरबमीन तो अल्लाह ताली कहते हैं हमदन अब्दी मेरे बंदे ने मेरे हमद बयान की अल्लाह अकबर कितनी बड़ी बात है यहाँ कितनी बड़ी बात है तो अल्लाह सुबहान तैाल के जो हमद है ना ये एक बहुत अजीम नमत है बहुत अजीम अमल है क़ुरान मजीद अल्लाह ताली का कलाम है इंसानों के नाम भेजा गया सबसे सबसे आखिरी कलाम है अल्लाह रबालमीन का कुरान मजीद में पहली सूरत जो तरतीब के अतबार से सतुलफ़ातहा है पहली आयतः करीमा है अलहमदिल्लाबालमीन पहली आयत करीमा है, अब ज़रा ध्यान दीजिए आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यानी अल्लाह सुभान व तआला की जो हमद है ना हमने इससे पहले बताया था ना आपको यानी हमद और मदह में फ़र्क है अहमद अल्ला आलमीन के आसमाय हौसना उसके सिफ़ात उसके अफ़ाल अल्लाह सुभान व तआला की ज़ात यानी अल्लाह अल्ला आलमीन की की तख्लीक देखो अल्लाह आलमीन की रजाकियत देखो अल्लाह सुभान व तआला की कुदरत देखो सुबहान तकफ़रत का अंदाज़ देखो ये सब औसाफ बता है कि अलहम्द, कि रब, रब आलमीन, आलमीन, रहे हैं किमदल और उसके बाद ने कहा किमीअलम देख नहीं दोनों जहानों का रब अब उसके साथ जो अहमद जो, जो, जो जोड़ा गया है एक हदीस है सही मुस्लिम की किताब सलाम में, में सही मुस्लिम की किताबारा में अबू मालिकारी रवी अल्लान कहते हैं और हदीस का जो तराफुल हदीस है ना जो आगाज़ इब्तदई हिस्सा वो है अतरशमान उसके बाद आप सब समय फ़रमाया कि तम लमीज़ान मीज़ान जो है ना अब उसकी कैफियत हमको नहीं मालूम है लेकिन इंसान जो मीज़ान रखता है ना मीज़ान तराजू एक जगह पर एक आला रखता है एक किलो का दो किलो का और इसके हिसाब से अशिया वज़न किए जाते हैं कयामत के दिन हशर के मैदान में हर बंदे के नाम पर तीन तरह के मीज़ान होंगे क्या होंगे हर बंदे के नाम पर तीन तीन मीज़ान अब मैं कभी बताऊँगा यहाज हमारा मौजू नहीं एक मीज़ान में इंसान की जो आमाल लिखी गई नहीं नेकियां बुराइयां बुराइयाँ जो दफ्तर वो रखे जाएंगे एक मीज़ान में एक मीज़ान में अल्लाह की तौफीक से जो एक इंसान ने जो नेकिया अंजाम दी ना जैसे नमाज पढ़ी उसने रोज़ा रखा उसने तिलावत की उसने उन नेकियों को रखा जाएगा दफ्तर को नहीं उन नेकियों को एक तीसरा मीजान होगा जिसमें होगा जिसमें एक साहेब एक शख्स को खड़ा किया जाएगा साहेब ईमान को भी काफिर को भी फर्द को खड़ा किया जाएगा उसका भी वजन तोला जाएगा तो अल्लाह के रसूल ने कहा मीज़ान जो अलहम्दुलिल्लाह है ना वो میزان को भर देगा वो अल्लाह हु अकबर वो, वो एक नेकी बेड़ा पार करतेगी <laughs> अल्लाह हु अकबर कबीरा अलहम्दुलिल्लाह सिर्फ इतना ही नहीं अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुब्हान अल्लाह व अलहम्दुलिल्लाह तमला आने ما بین السماوات والارض अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह है ना ये दो कलिमात इतने अज़ीम हैं इतने बाबरकत हैं इतने माना ख़ैज़ हैं इतनी वसात है इसमें कि आसमान और ज़मीन और उसके दरमियान की सारी चीज़ों को अहाता कर लेती है इतना यकीन होना इतनी गहराई से कहना इतनी मारिफत होना अल्लाह की ये ये अल्लाह से मांगना अल्लाह ताली की मारिफत से मुराद किसी जंगल और किसी मस्जिद के कोने में बैठने ही का नाम नहीं है किसी मस्जिद में जैसे बाज़ लोगों ने समझ रखा है कि जो है यानी ख़ास तरह की कोई वजीफ़ा होगा और लोगों से अलग थलग होकर बैठ जाने का नाम होगा ऐसा नहीं मस्जिद में होने वाली इबादतें भी घर के अंदर का मामला भी बाजार का भी मामला भी मस्जिद इबादत का सबसे बड़ा मजहर है लेकिन गलत जो तस्वुरा आए हैं मैं उसकी नफ़ी कर रहा हूँ तो ये जो है ना कि वह सुबहानल्लाहमदिल्ला तम आनी मा बई न वल वाल कितनी बड़ी बात है अल्लाह अकबर इसलिए कि कोई छोटी नहीं कि नहीं तो एक बंद मोमिन को चाहिए कि हर पहलू हर पहलू हर पहलू अल्हम्दुलिल्लाह हर पहलू अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन ये नहीं है कि इंसान को दुख नहीं होता है परेशानी नहीं होती है इंसान को गम लायक नहीं होता है लेकिन कोई चीज़ हर बाब में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से ये चीज़ मांगना चाहिए इसलिए कि एक हदीस है सुन सुनमाजा की किताबुल अदब में और इमाम इब्न माजा रन बाप कायम किया बाब फ़ फ़ Allah के सना करने वालों की फजीलत हदीस हसन दर्जे की रहमतुल्लाह ने हसन कहा है उमुल मुबिना आयशा कहती हैं रजोल अल्लाह के रसुलसलम का अमल बताते हैं क्या कहा कि क्या रसूल सल्हमिब आप को जब कोई चीज़ अच्छी लगती भले लगती यानी आप सर किसी को देखते के भी इबादत करते हुए किसी को देखते हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हुए किसी को देखते हैं कि जो है मतलब अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए कोशा हैं तो कहते कि अलहमद ला लदी बिन आमत ही ततिम क्या कहते क्या कहते क्या कहते थे अल्हद ला लदी बिन ही साल और कहते हैं व इज़ार मा राह नबी करीम सल्म पर जब किसी कोई चीज गिरा गुजरती हुई अच्छी नहीं लगती आप कराहत करते नापसंद फरमाते तब भी क्या कहते थे अलहमद लाला खुल क्या कहते थे हर बाब में हर पहलू में किसी बाब में मतलब इसके अलावा हर चीज़ में अल्लाह अल्लाबहाना ताल के हम ये अल्लाह ताली की बहुत बड़ी नियमत ये बहुत बड़ी नियमत अल्लाह सुबहान तै के हम आप गौर कीजिए कि अल्लाह सुबहान त हमद का मामला ऐसा है कि हर बाब में मेंलहमदिल्ला अल, अल, कहना चाहिए हर बाब में अहमदिल्ला कहना चाहिए एक हदीस आती है सही मुस्लिम की किताबिक्री व दुआ व तोबती व इस्तार अल्लाह रजील उसके रावी हैं वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आ, हम से मुतल हदीस है वो नहीं वो हदीस बाद में सुना होगा इसकी हदीस है सही बुखारी की इसलिए कि सही बुखारी की हदीस में ये बात बताई गई है कि जिस बंदे को जो सही मुस्लिम की हदीस है मैं बात में सुनाता हूँ उसको ताकि तक, तक एक तरतीब बाकी रहे सही बुखारी के हदीस है किताबुल अदब की ही उसकी रावी अल्लाह खान वो कहते हैं कि रसूल सल के पास दो शख्स थे और दोनों को छींक आई कहा कि एता रजुल्ला वसल्लम नबी करीम वसल्लम के पास दो लोगों को छींक आई फशम तहदम आखर एक के हक में अल्लाह के कहामकल्ला दूसरे के हक में कहा रहम्ला नहीं दूसरे के हक में फरमाई तश्मीद कहते हैं किसी के लिए खैर बरकत की दुआ करना एक आदमी ने छीका अल्लाह के रसो ने कहा दूसरे आदमी ने भी छींका अल्लाह के खामोश रहे पूछा गया साहबा से ऐसा क्या मामला है इनके साथ ऐसा इनके साथ ऐसा तो अल्लाह के रसूल ने कहा हाज हमिद्ला वो हाज हमिद्ला इसने अल्लाह की हमद बयान की छींक आई तो कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह तो मैंने कहा यार अल्लाह उसने भी छीका वो खामोश रहा मैं भी खामोश रहा अल्लाह की हमद नहीं होगी तो नुक़सान होगा ही काफिर को तो जिंदगी भर एक मुसलमान जिस पहलू अल्लाह की हमद नहीं बयान करेगा उस पहलू वो उसका नुकसान उसको होगा तो समझ रहे हैं आप ये सूरत हाल होगी तो अल्लाह अल्लाहन ताली की हमदो सना यह एक बंदे के लिए बहुत बड़ी नाम बहुत बड़ी नाम अल्लाह की जो चीज़ें हमारे ऊपर हैं अल्लाह ताली की हम बयान करना चाहिए अभी सही मुस्लिम की जो हदीस में बता रहा था आपको सही मुस्लिम की जिक्र व दुआ व तो इस्तार में अनस बिन मालिक अनसविनमालिक रजील्न कहते हैं कि रसूल सल्हम ने फरमाया इन अल्लाह फरमायाब अल्लाह सुबहान तला को बंदे के बंदे से ये चीज पसंद है जैसे हम बोलते हैं ना आप ऐसा करो तो मुझे पसंद होता नहीं होता है एक बाप अपने बेटे से कहते नहीं आप ऐसा करो तो मेरी तबीयत खुश हो जाएगी तो अल्लाह सुबहान तला को बंदे से क्या पसंद है कि अय्यादा हुआ कि एक निवाला ले एक लुकमा खाए तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह अव यशरब शरब फ़यामिद आलिया या एक पानी का घूट पिए तो कहे अल्हम्दुलिल्लाह ये हम बताना मकसूद क्या है मकसूद ये है कि अल्लाह की हर नेमत से अल्हम्दुलिल्लाह 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 ये कपड़े किसके ये मैंने ख़रीदे हैं ये चप्पल किसके हमने ख़रीदे हैं ये किसकी चीज़ें हमने बनवाई हैं ये घर किसने ये तो मैंने बनवाया है ये ज़मीन किस के? मैंने ख़रीदी है ये इम कहाँ से आया मैंने मेहनत करके पढ़ा है ये ये समझ कहाँ से आया कि आपके अंदर ये ये मुझे ख़ानदानी तौर तो पर मिला है ये हमारे वालिद से मिला है ये फला की सोबत में मिला है ये, ये खाने पीने क्या बात है ये सब हमारी मेहनत का सिला है सुबह अल्लाह काफिरों का अंदाज़ है ये नाफरमानों का अंदाज़ है ये मुजरमीन के ख्याल होते हैं ऐसे बंदा है मोमिन मुतवाज़े होता है हर चीज़ की नस्बत अल्लाह की तरफ ये कहाँ से अलहमदल अल्लाह ने फराम की अलहदल्ला ये अल्लाह का एहसान है यह अल्लाह ने अता किए हैं ये ऐसा नहीं है कि आज दर्स चल रहा है तो हम दर्स में अलहदल्हमदल अलहदल्ला और इंसान जब ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाए तो सोच कर ये बोलना पड़ता है कि अलहमदल् ऐसा हर बा उसकी ज़ुबान पर रहे वो उसकी समझ के साथ जुड़ जाए उसके फहम के साथ जुड़ जाए उसके इरादे में वो बात आए उसके ख्याल में वो चीज़ रहे मतलब ये कि वो हमेशा याद रहे इस सबक को कि भाई अलहमद ये अल्लाह की तरफ से ये अल्लाह ने अता फ़रमाए अल्लाह के लिए हमद है वलिला ये 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 चीज़ आनी चाहिए पता से हो गया आपको एक हदीस सुना दे तो आखिर में एक उसके बाद अपनी इस दर से मुतल इन शशत ख़त्म कर देंगे आ, इमाम इबन माज रहा ने अपनी असुलन की किताबुल अदब में एक हदीस लाए हैं अनसब मालिक ही उसके रावी हैं रसूल वो कहते हैं कि रसूल सल्ला वम ने बयान फरमाया अल्लाह ताली के हमदना से मुतक़ कि अल्लाह सुबहान तमदोसना का मामला ऐसा है कि कितनी बड़ी फजीलत वाली हदीसें देखी सुबहान लागौर की जी अल्लाह के रसुल ने कहा जब अल्लाह ताली किसी बंदे को कोई नियमत अदा करते हैं ना अल्लाह ताली जब किसी बंदे को कोई नियमत अदा करते हैं फैमदल्ला और उस नेमत को पाकर के वो कहता है ना जब अल्हम्दुलिल्लाह तो आप अली अलीसलाम उस ने उसके बारे में फरमायाता अफजल अखज तो ऐसे बंदे को अल्लाह क्या मामला अख्तियार करते हैं ऐसे बंदे के हक में उस बंदे से अल्लाह ताला जब कोई चीज लेते हैं तो उससे बेहतर ही चीज अदा करते हैं यानी हमको ये नेमत मिली हम कहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ला कदर अल्लाह मान लीजिए जी कि यह चीज खो गई तो अल्लाह ताला इससे बेहतर ही चीज़ हमको अदा करेंगे ये रब ये रब का वादा है मैं यहाँ का कोई जिम्मेदार नहीं हूँ को, को, कोई सियासी लीडर कि मुझे वोट दीजिए मैं आपको इससे बेहतर दूंगा ये रब 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 की बात बता रहा हूँ मैं आपको ये रसूलुल्लाह की हदीस बता रहा हूँ कितना यक़ीन होना चाहिए अंदाज़ा लगाइए हमसे कोई चीज़ खोती है ऐसे शख्स के लिए जो कहता है कि अल्लाह की किसी नेमत पर अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि वो चीज़ थी ना उसके पास तो उसने क्या कहा था अल्हम्दुलिल्लाह अब वो चीज़ खो गई ना अन अल्लाह दी अफ़ज़ल मिम्मा अकदर जो चीज़ अल्लाह जब उसको ले, ले लेते हैं उससे बेहतर ही चीज़ अदा करते हैं अल्लाह हू अकबर इससे बढ़ करके क्या खुशखबरी हो सकती है हमारी ज़िंदगी में अंदाज़ा लगाइए फिर तबीयत में कितनी ख़ुशी होनी चाहिए दिल में कितना ज़िंदा रहना चाहिए कि भाई अब तक जितनी नेमतें हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंसान इस दुनिया के अंदर चीज़ें बहुत सारी खोती कोई चीज़ खो जाती है तो उससे बेहतर चीज़ देंगे रब्बुल आलमीन ठीक है ये अल्लाह ताला के हम से मुतल है बातें ख़त्म नहीं होती हैं लेकिन हमने एक तरतीब देकर आते हैं बातें कि इतनी बातें बताएं तो इनशाला आने वाले दरस में अल्लाह रब्लम के अस्मायसना उसके सिफात उल्या से मुतिक एक नया दर्स लेकर कहेंगे इन शी सुबहदिस्तफ़ रुकआ वातबिल